आज हम बनाएंगे वेनिला स्पॉन्ज केक विदाउट एग, विदाउट बेकिंग पाउडर, विदाउट ओवन। जिसके लिए हम सबसे पहले रख देंगे एक पैन, डीप पैन गर्म होने के लिए। उसमें एक रैक रख देंगे और इसको एक बर्तन से ढक देंगे। अब इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमें करना है बेकिंग टिन को ग्रीस, जो हम बटर से करेंगे। इस स्पॉन्ज को बनाने के लिए मैंने क्लब सोडा यूज़ किया है, ये है शुगर पाउडर, कर्ड, टूटी फ्रूटी, इनो। अब हम थोड़ा सा बटर उंगली पर लेकर उस टिन को ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरीके से। बटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत ही थोड़ा यूज़ करना है और अच्छी तरीके से इसे टिन को ग्रीस कर लेना है। अब एक पिंच फ्लावर लेंगे और टिन में डस्ट कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फ्लावर को हम टिन से निकाल देंगे, इसे साइड में रख दीजिए। अब सबसे पहले हम लेंगे एक स्ट्रेनर, इसमें हम डाल देंगे 150 ग्राम फ्लावर, 1 टेबल स्पून इनो। इनो का पूरा पैकेट नहीं डालना है, आप 1 टेबल स्पून इनो डालिए। ये है शुगर 100 ग्राम, जिसमें मैंने एक पिंच सॉल्ट डालकर इसे फाइन पाउडर बना लिया है। अब फॉक की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से छान लेंगे। अब इस छाने हुए मिक्सचर को हम 3 रेशियो में डिवाइड कर देंगे। टूटी फ्रूटी पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए और उसे साइड में रख दीजिए। ये मैंने ले लिया है 100 ग्राम कर्ड दही, इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। 1/2 कप मिल्क लिया है मैंने, जिस थोड़ा थोड़ा ऐड करके विस्क करते जाएंगे जब तक के सारे लम्स ख़त्म नहीं हो जाते। थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएं। अब देखिए ये बिल्कुल भी लम्स फ्री हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करी हूँ 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। वंस अगेन इसे विस्क कर लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। क्लब सोडा ले रही हूँ मैं 100 ml। फर्स्ट रेशियो ऐड कर देंगे हम दही वाले मिक्सचर में, ऐड कर देंगे थोड़ा सा सोडा, क्लब सोडा, और फोल्ड एंड कट के तरीके को यूज़ करते हुए हम इस बैटर को मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। अभी सेकेंड रेशियो ऐड करेंगे और इसे भी बिल्कुल उसी तरह फोल्ड एंड कट वाले मेथड से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर दीजिए इसमें और इसे मिक्स करते जाएं। देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब बारी आती है 3rd रेशियो ऐड करने की। ये मैंने 3rd रेशियो ऐड कर दिया और अब बचा हुआ सोडा भी ऐड करूंगी। फिर से इसे फोल्ड एंड कट वाले मेथड से मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं दिख रहे हैं इसमें। अब बारी आती है ऐड करने की टूटी फ्रूटी। आप चाहे तो टूटी फ्रूटी स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी जगह आपकी चॉइस से
नट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसे वंस अगेन मिक्स कर लीजिए। अब इसे पॉर कर लीजिए ग्रीस की हुई बेकिंग टिन में। इसे टैप कीजिए ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। स्पैचुला की हेल्प से इसके लेवल को सही कीजिए ताकि बेक होने के बाद में वो परफेक्टली रहे। अब गरम किए हुए तवे पर हम रख देंगे टिन और इसे वंस अगेन कवर कर लेंगे। इस केक को बनाने के लिए मुझे 45 मिनट लगे हैं। आप 40 मिनट के बाद में एक मरतबा चेक कर लीजिए और एक बार ज़रूर ध्यान रखिए फ्लेम को लो रखेंगे। 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे। एक टूथपिक ले लेंगे, इसे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है। दस मिनट के लिए इसे टिन में ही ठंडा होने देंगे, उसके बाद में इसे डीमोल्ड करेंगे और इसे स्लाइस कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी वेनिला केक रेडी हो चुका है।